तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आगे मैं एक और नई वीडियो में आ रहा हूं। दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेड बॉल 4। इसमें क्या आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने ग्रीन हिल्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज बारी है यहां पे डीप फॉरेस्ट की। तो आज मैं उसकी 16 लेवल खेलने वाला और देखने वाला हूं कि भाई ये डीप फॉरेस्ट कैसा होने वाला है। तो यहां पे पूरा आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ही चेंज हो चुका है, पूरा फॉरेस्ट का लुक आ चुका है। यहां पे ट्री कटे कटे हैं और इसी के ऊपर से मुझे जंप मार मार के आगे की तरफ जाना है। तो यहां पे स्टार इस बार मैं सारे लेने वाला हूं। पहले मैं स्टार पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था, बट अब मुझे सारे ही स्टार लेने पड़ेंगे वरना भाई अपना नेक्स्ट मैप नहीं ओपन होगा। इसलिए मुझे भाई काफी ज्यादा जरूरी है सारे स्टार लेना और इन सबको मारना भी। देखो ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर के स्क्वायर चल रहे हैं ना, इनको मारना भी काफी ज्यादा जरूरी है मुझे। देखते हैं कि आज अपन कितनी ज्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपन 6-7 लेवल तो कंप्लीट कर ही ले इसकी आज के आज वाली वीडियो में। तो देखते हैं, यहाँ पे ये वाली लेवल तो हमने कंप्लीट हो चुकी है, लेवल 17 की। तो भाई वो वाली लेवल काफी ज्यादा इजी थी, बट 17 लेवल हो सकता है थोड़ी सी हार्ड हो। तो यहाँ पे पहुंच चुका हूं, इधर मुझे जंप मारनी है। ठीक है, नीचे की तरफ आप देख सकते हो भाई ये मतलब चक्र टाइप का गोल गोल घूम रहा है, काफी ज्यादा डेंजर है। अगर इससे मैं टकराया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि भाई जो तो देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये काफी ज्यादा डेंजर है। मैंने यहाँ से जंप तो मार दी और मैं बच चुका हूँ इससे और सीधा चलने वाला हूँ मैं आगे की तरफ। चलो यहाँ पे भी मैं चेक पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ, इसको और मारना है। मुझे लगता है इसके बाद अपनी लेवल कंप्लीट हो जाएगी। नहीं भाई, लेवल थोड़ी सी बड़ी, एक और यहाँ पे आ रही है स्क्वायर, ये भी खत्म। ठीक है, तो अभी तो मैं काफी ज्यादा इजीली निकाल रहा हूँ। डीप फॉरेस्ट इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, ग्रीन हिल्स टाइप का ही है, बस बैकग्राउंड चेंज हो गया, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, बाकी है सेम वैसे ही, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो ये भी खत्म। अभी एक और सामने से आ रहा है, मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। तो ये भी अपने सामने मर जाने वाला है, देखो इसको भी मैंने मार दिया अभी। और यहाँ पे कोई रेड कलर के बटन है, इसको भी मैंने दबा दिया। इससे पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता इससे होने क्या वाला है, बट मैंने उसको वहाँ पे प्रेस कर दिया क्योंकि मैं यहाँ से आगे नहीं पहुँच सकता था। तो चलो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, वो भाई उससे जेल खुल चुकी है। ठीक है, ऊपर की तरफ भाई रास्ता ब्लॉक था, इससे वो खुल चुका है। तो भाई यहाँ पे कुछ रेड बटन का सीन भी आ चुका है, इसको मुझे हर बार प्रेस करना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा सा भाई बदलते जा रहा है गेम, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड होती जा रही है। अभी तक भाई ग्रीन हिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखो, पहले ये स्टोन का था, अब ये लकड़ी का हो चुका है। पहले ये स्टोन का था, जो भी गोला है, और मेरा काम यहाँ पे तमाम। तो आप यही देख सकते हो कि भाई अगर मैं इसे टकराया तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। तो मुझे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही ये आगे जाएगा वापस से इस तरफ आएगा, उसके बाद मुझे लकड़ी को यहाँ से धक्का देना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई ये मुझे मारता है तो इस लकड़ी को भी तोड़ दे, क्योंकि लकड़ी स्टोन की तो नहीं है, यहाँ पे वुड की, और वुड टूट सकता है भाई, वुड काफ़ी इजीली टूट सकता है। तो ये तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोन का नहीं है भाई, ये तो आयरन का है। तो इसलिए मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा बच बच के खेलना पड़ेगा, स्टील का आप बोल सकते हो उसको बेसिकली। तो यहाँ पे एक और स्क्वायर चल रहा है, इस बार मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है देख सकते हो, इसमें मुझे टाइमिंग का खेल है। ठीक है, अभी मुझे ऊपर की तरफ कूदना, अब जाना मुझे आगे। और यहाँ पे ये ब्रिज भाई, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसमें आसानी तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यही कि मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी मैं आगे पीछे होता तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। चलो यहाँ से तो मैं निकल चुका हूँ। ये भाई ये कैसा स्क्वायर है? अच्छा, ये वैसे ही इसका इसका फाइनल बॉस था ना, जंप मार मार के चल रहा था, ये भी कुछ उसी टाइप का है। चलो अच्छा, मुझे इसको दो बार मारना पड़ता है, एक बारी में ये नहीं मरने वाला, मुझे इसको दो बार अटैक करना पड़ेगा तब जाके ये मरेगा। है थोड़ा थोड़ा अपने फाइनल बॉस जैसा। यहाँ पे भाई लकड़ी बंधी हुई है, लकड़ी बंधी हुई है रस्सी से, आप देख सकते हो रोप से यहाँ पे बंधी हुई है, पता नहीं क्यों बंधी है भाई, ऐसे ये झूल जाती है क्या। देखो यहाँ पे मतलब दो बिरंजी वगैरह गार्ड इनको लगाया और यहाँ पे रस्सी वगैरह बंधी हुई। तो हम आगे की तरफ पहुँच चुके हैं, यहाँ से मुझे जाना ऊपर, इसको मार देने वाला हूँ यहाँ पे। अरे भाई इसने मुझे डैमेज दे दिया। तो चलो जो कि नेक्स्ट वाले लेवल में ना रिकवर हो जाएगा, मैंने इसको मार दिया। यहाँ पे मेरा गोल्डन हो चुका है, ये जो भी अपना कॉइन था गोल्डन हो चुका है। यहाँ पे मैं जेल का रास्ता भी खोल दिया और हमारी ये वाली लेवल पर जाने वाली है कम्प्लीट। अभी बारी यहाँ पे लेवल 20 की, तो इसमें भी मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग कर करके मुझे आगे जाना है। बट भाई यहाँ पे देख सकते हो ना, अब मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी किया और उसकी वजह से मैं नीचे गिर चुका हूँ। तो मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम आगे बढ़ना। चलो अभी मैं बढ़ सकता हूँ आगे। और ये वही वाला भाई लकड़ी का कुंदा, जिसको मैं नीचे फेंक देने वाला हूँ। गोल गोल राउंड है ये बिल्कुल। अच्छा है कि ये भी सर्कल में है, सर्कल चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और स्क्वायरों को भाई काफ़ी ज़्यादा खराब लगता होगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हर चीज़ स्क्वायर बन जाए, बट भाई हम ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो चलो यहाँ से मुझे इसको लेके जाना है आगे की तरफ। मुझे समझ में आ रहा है कि इसको क्यों दिया गया है यहाँ पे, मुझे धक्का देके इसको आगे की तरफ लेके चलना है, और शायद भाई कहीं ऊंची जगह होगी जहाँ पे मैं इसकी मदद से चढ़ पाऊंगा। जो देखो बिल्कुल यही होने वाला, जो मैंने सोचा था वही हुआ है यहाँ पे। तो मुझे इसके ऊपर से जंप मार के आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे वही रेड कलर का बटन नीचे दिख रहा है, मुझे इसका यूज पता चल रहा है अभी क्या होने वाला है। चलो तो मुझे यहाँ से जाना है सीधे, और अब मैं मार पाऊंगा आगे तक के जंप। तो मुझे लगता है ये वाली लेवल अपनी कम्प्लीट हो जाने वाली है इसको मारने के बाद। ओके, अभी मुझे लगता है कि ये वाली लेवल कंप्लीट हो जाने वाली, फिर से मेरा कॉइन गोल्डन हो चुका है। तो ये लेवल है लेवल 21। तो मैंने यार अभी 5 से ज़्यादा छठी लेवल अपनी चल रही है ना,
आज की अगर वीडियो के हिसाब से देखो तो छठी लेवल चल रही है। मैंने सोचा था पांच लेवल तक मुझे कंप्लीट करना, मैंने यहाँ पे छठी लेवल में पहुंच गया हूँ काफी ज्यादा जल्दी। मतलब यार पहले मैं आउट होता था, अब तो मैं काफी ज्यादा मतलब इसमें प्रो बन चुका बोल सकते हो, काफी ज्यादा इजिली मैं इसको कंप्लीट कर पा रहा हूँ। अब मैंने तो यहाँ से जंप मार दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेल का आइकन अपने को दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे इस वाले बटन को करना है प्रेस, जिसकी मदद से ऊपर की तरफ जेल ओपन हो गई होगी। अब मुझे जाना है इससे सीधा आगे, पर मैं कैसे जाऊँ भाई, ये भी तो जंप मार मार के आ रहा है और यहाँ पे मुझे जंप मारना पड़ेगा काफी ज्यादा ऊंची। चलो अभी तो बिल्कुल राइट पोजीशन में, मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, मैं वहाँ से डायरेक्ट चढ़ भी नहीं सकता, मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ओके भाई, मुझे यहाँ पे वेट करके अब मारना है सीधा जंप स्पीड में काफी ज्यादा। पर ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पे अपनी लेवल हो जाएगी कंप्लीट। अभी तो भाई स्टार्ट हुई है, अभी नहीं कंप्लीट होने वाली है। बट ये थोड़ा सा अपने को देखने के लिए हार्ड था कि मुझे वहाँ पे बटन प्रेस करना था और ये जेल टाइप का था कुछ, जिसमें कि अपन बंद थे, उसके बाद जब तक बटन को प्रेस नहीं करता वो ऊपर की तरफ भाई वो जो भी पिंजड़ा था वो ओपन नहीं होता, तो ये काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ अपने को देखने को मिली थी यहाँ पे। अब ये गया खत्म, एक और को मुझे मारना आ गया। ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर थोड़ा सा भी मैं आगे पीछे होता तो मैं सीधा पानी में गिर जाता और उसके बाद अपना काम तमाम हो जाता। तो ये लेवल मेरी हो चुकी कंप्लीट। अभी बारी है यहाँ पे लेवल 22 की, जिसमें कि मुझे इसको मारना है, इस वाले स्क्वायर को जो कि भाई कैसा सा मुंह बना के गोल गोल घूम रहा था। यहाँ मुझे इस बटन को प्रेस करना है जिसकी मदद से मैं ऊपर जा पाऊंगा, और ये कुछ टाइमिंग वाला सीन है। हाँ काफ़ी ज़्यादा जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा, वरना ये वापस से बंद हो जाता, जो कि आप देख सकते हो बंद हो चुका था। अब यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि क्या करना है, मुझे ऊपर जाने के लिए इस लकड़ी को इसके ऊपर से लेके आना है, तो ये यहाँ से तो नहीं आ पाएगा, मुझे इसके ऊपर चलना पड़ेगा गाइस, यहाँ से मुझे इसको धक्का देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके नीचे नहीं घुस सकता। अब देखो, और फिर से मुझे वही करना है जो मैंने इससे पहले वाली लेवल में किया था, यहाँ से मुझे इसको ज़ोर से धक्का देना है जिसकी मदद से आगे जा पाएगा। ऑल राइट गाइस, जो मैंने सोचा था वही यहाँ पे हो चुका है, और मुझे इसके ऊपर से सीधा मार देना है जंप। और यहाँ पे यार वही खतरनाक स्टेप कर दिया गोल गोल, इसने एक बार मुझे मार रखा है, एक बार इसने मुझे मार दिया है, मुझे इस बार इससे बच बच के काम चलाना पड़ेगा। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं, अरे यहाँ पे एक और है भाई शिट, मुझे इसको भी दबाना था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा यहाँ से मैं सीधा जंप मारूंगा और आगे पहुँच जाऊँगा, मुझे आगे पहले चेक कर लेना था। तो चलो ये वाली लेवल भी अपनी हो जाती है कम्प्लीट यहाँ पे। अब बारी है यहाँ पे लेवल 23 की, देखते हैं अपन कि इस वाली लेवल में अपने लिए क्या चैलेंज यहाँ पे होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो कि स्क्वायर एक नीचे की तरफ घूम रहा है जिसको कि मैं मार दूंगा, इसको मारना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि ये आराम आराम से चलते रहता है, समझ सकते हो कि इनका फर्स्ट स्टेज है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो रही है। यहाँ पे भी टाइमिंग वाला सीन है, मुझे काफ़ी जल्दी यहाँ से कूदना पड़ेगा ऊपर चल के। मैंने मार दिया अब यहाँ से जंप और मैं सीधा पहुँच चुका हूँ इस तरफ, तो देखो मैंने काफ़ी जल्दी काम कर लिया क्योंकि भाई टाइमिंग था, अगर मैं थोड़ा भी लेट होता तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। आप देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बजर है जिसकी मदद से नीचे का जेल ओपन हो जाएगा, जो भी नीचे की तरफ रास्ता अपना ब्लॉक था वो ओपन हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे प्रेस करने के बाद मुझे जल्दी से जाना है, वरना ये रास्ता वापस बंद हो जाएगा। आप देखते हो वहाँ पे टाइमिंग चल रही है, मुझे काफ़ी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं लेट हुआ तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, मतलब मर जाता भाई, मरता तो नहीं, यहाँ से पहुँच नहीं पाता, फिर से मुझे जाके वाले बजर को प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे ये भाई कूदने वाला, मैं मर भी सकता था भाई क्योंकि ये अगर सामने आ जाता ना तो मेरा काम तो तमाम कर ही देता ये एकदम से अगर मेरे मुँह पे आ जाता तो। बट कोई बात नहीं, मैं सबसे बचते बचाते यहाँ तक पहुँच चुका और मुझे यहाँ से माननी है सीधा आगे की तरफ शायद जंप, बट ऐसे नहीं लग पाएगी, हाँ ऐसा नहीं लग पाएगी, मुझे उस तरफ वजन देना पड़ेगा। ठीक है अभी देखो, तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जंप मार दी और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये लेवल भी अपनी मुझे लगता है हो जाने वाली है कंप्लीट, हो जा अब तो हो जाना चाहिए गाइस इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक को नहीं मारा था, तो मैंने इस बार सिल्वर कॉइन पे ही कंप्लीट हुआ है, वरना मैं गोल्ड कर लेता। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं लेवल 24 पे, तो यही आज की वीडियो की फाइनल लेवल कर लेते हैं, पर देखते हैं कितनी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, उसको अपन कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, हम यही फाइनल कर लेते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में आपको इसका फाइनल बॉस भी मैं दिखा दूंगा, डीप फॉरेस्ट का कि भाई फाइनल बॉस कैसा होने वाला है। ग्रीन हिल्स का तो आपने देखा था, मैंने उसको हरा दिया था, बट वो भी कमज़ोर नहीं था भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, बट अभी तो अपना काफ़ी ज़्यादा इजली काम चल रहा है। अब मुझे यहाँ से सीधा जंप मार के लेना है वो वाला कॉइन जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे वही वाला सीन करना है टाइमिंग का, तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करके रखना है। अब मुझे नहीं पता भाई, शायद यहाँ पे प्रेस करने से वो वाला ओपन होता है, यहाँ से प्रेस करने से ये वाला होता है। ठीक है, मतलब मुझे भाई हर तरफ दूसरी दूसरी तरफ का यहाँ पे प्रेस करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, एक के ऊपर एक नहीं, मैं वो वाले को प्रेस करता हूँ तो ये वाला डंडा आगे जाता है और इधर वाले को प्रेस करता हूँ तो उधर वाला आगे जाता है, तो ये कुछ सीन है यहाँ पे। और ये देखो ये ब्रिज कुछ बना, ब्रिज के ऊपर भाई ये स्क्वायर खड़े, अच्छा है कि इस तरफ चल नहीं रहे, और एक को तो मैंने नीचे ही गिरा दिया है, तो ये वाले को लूँगा और शायद मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा गोल्डन कॉइन हो चुका है, तो हमने यहाँ पे पूरी 24 लेवल्स कंप्लीट कर लिया। बारी है 25 लेवल की, जो कि मैं खेलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आपको फाइनल बॉस देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाली वीडियो। बाकी आपको होना था ना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो में मजा तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूं फिर किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।